राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन की तरफ से ओपन फीडे रेटेड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 9 राज्यों के 193 रेटेड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 88 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 9 राउंड होंगे और विजेता खिलाड़ी को प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की तरफ से 1,00,000 रुपये की राशि बतौर इनाम दी जाएगी। इस मैच में ओडिशा के 3 दिव्यांग खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। 190 रेटेड प्लेयर हैं। बचपन से देखने में अक्षम दोनों ने ब्रेल लिपि चेस बोर्ड पर चेस खेलना शुरू किया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। आज से इन मैचेस की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नगरी प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और उनकी धर्मपत्नी सुकून डहरिया शामिल हुई। मंत्री शिव डहरिया ने चेस खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और 5 चालों में जीत हासिल की। 27 को चेस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड रहेगा, जिसमें टॉप 10 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। निश्चित रूप से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज विभिन्न प्रदेशों के प्रतिभागी यहां आए हैं। सरकार ऐसे कामों को प्रोत्साहन देती है और इसके लिए हम लोग काम करेंगे कि इस तरह का आयोजन हो और इसका लाभ इस प्रदेश के बच्चों को मिले। खिलाड़ी हमारे बाहर जाते हैं तो उनको काफ़ी खर्चा भी आता है, तो हम लोगों की एक सोच है कि हर महीने, हर 2 महीने के अंदर इस तरह का एक ऑल इंडिया लेवल का एक रेटिंग टूर्नामेंट करें, ताकि छत्तीसगढ़ के नए बच्चों को, यहाँ के खिलाड़ियों को, नए बच्चों को रेटिंग मिले और जो ऑलरेडी रेटेड हैं उनकी रेटिंग ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी गेम नहीं है जिसमें कि एक ब्लाइंड पर्सन एक साइडेड पर्सन को चैलेंज कर सकता है, तो इसलिए हमें लगा कि हमें ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए और चेस में ऐसे इम्प्रूवमेंट होता गया एंड वी गॉट रिकॉग्निशन, तो अच्छा लगा चेस। एक्चुअली हमारे डिफरेंट बोर्ड आता है तो उससे हम समझ के कर लेते हैं, उसमें पजल्स अरेंज कर करके हम टच करके कर लेते हैं।